हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक वीडियो निकल के आ रही है सामने पटियाला की तरफ से, पंजाब में पटियाला एक जगह है, वहाँ से निकल के आ रही है। और ये यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, एक राइडर ने KTM 390 ड्यूक को पब्लिक रोड पर कॉलेज के सामने पर स्टंटबाजी के चक्कर में, यहाँ पर स्टंट तो दिखाया लेकिन पटियाला की पुलिस ने जो है इनकी बाइक को सीज कर लिए। इन्हें छपरी छपरी उसकी जो बाइक है ये, और मैं इनका छपरी नाम लूँगा डेफिनेटली इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये हद हो चुकी है। अब जो स्टंटबाजी के चक्कर में ये जो दूसरे का नुकसान कर रहे हैं और पब्लिक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे, और ये पब्लिक रोड है और वो भी कॉलेज के टाइम पर, आप जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो पटियाला की जो पुलिस है उन्होंने जो है अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, और आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से जो है लड़का जो है यहाँ पर बाइक को स्टंट कर रहा है और पटियाला पुलिस ने इनकी बाइक को सीज कर लिया। आप देख सकते हैं फ़ोटो में बाइक के साथ में कितने पुलिस वाले खड़े हैं और बंदा जो है नीचे बैठा हुआ है। तो भाई शर्म आनी चाहिए तुम छपरीज को कि तुम कैसी हरकतें कर रहे हो। तो पंजाब की पटियाला पुलिस ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, काफ़ी लोग जो है यहाँ पर नाराज़ होंगे कि यार एक वीडियो ही तो है, पर भाई ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। जिन लोगों ने भी KTM 390 ड्यूक का नाम बदनाम किया है वो इन्हीं छपरियों में से एक हैं, और अब ये छपरी जो है आईफोन का भी नाम बदनाम करने वाले हैं। दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको क्या लगता है ऐसे मामले में पुलिस ने सही किया या नहीं किया, नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों जो लोग KTM 390 ड्यूक को नहीं ले रहे हैं, यानी कि वो अलग बाइक की तरफ या अलग कंपनी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, KTM की जगह पे अब वो TVS की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी TVS की RR 310 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन सब की वजह ये भी एक रहने वाली है। और भारत के अंदर में ये बीमारी फैलती जा रही है, जिस तरह से अब इजीली हो चुका है दोस्तों 390 हो या आईफोन हो या और भी चीज़ें हैं, अब छपरीज के हाथ से जो है कुछ भी चीज़ नहीं बचेगी और सब चीज़ें जो है अब इनके पास आने वाली है। और इन लोगों को पता नहीं कौन प्रमोट कर रहा है, मुझे समझ नहीं आता कौन इनको समझा रहा है कि ऐसी हरकतें करो, स्टंटबाजी करो, ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।